करना है, सेकंड के साथ हैव करना है और फर्स्ट के साथ भी हैव करना है और दे के साथ भी हैव करना है, जो मैंने बता दिया आपको। आई हैव नॉट लर्नड माय होमवर्क, मैं आपको ये नेगेटिव बनाने का तरीका बता रही हूं। नेगेटिव सेंटेंस आई हैव, ये देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बताया कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फुल स्टॉप। आई हैव नॉट लर्नड माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं याद कर चुकी हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं आपको इंटरोगेटिव बनाने का तरीका बता रही हूँ, जो मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आएगा, सेम इधर ये भी चल रहा है, ठीक है। Has she worked hard for her exams? क्या वो अपने इम्तिहानात के लिए सख्त मेहनत कर चुकी है? Has she worked? Has यानी स्टार्ट में आ गया, she सब्जेक्ट बाद में आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, worked hard for her exams, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू हमारे जो फॉर्मूले थे उसके मुताबिक, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और किसी भी टेंस में कोई भी इशू होगा लिंक पर